हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन मे बी ए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग क्रैश कोर्स की तरह से बीएड के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो छठा पेपर है उसका जो फोर्थ यूनिट है, सेकंड लास्ट यूनिट जो है फोर्थ यूनिट, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराया था उसके बाद वाला जो आपका आज का टॉपिक है वो है आपका इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट, है ना। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक अगर आप किसी किताब में ढूंढोगे, किसी की जगह पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। क्योंकि इसमें जो गलती है वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो इस तरीके से अगर आप देखेंगे सिलेबस के बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से है कि सिर्फ विभाग ने उसको उठा करके छाप दिया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग किताब में मटेरियल ढूंढेंगे, किताब ढूंढेंगे, वो कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, वही वाली चीज होती है बीएड के कोर्स में भी। अगर आप देखेंगे कि आप ये समझेंगे कि जितना आप इसको पढ़ोगे, सपोज दैट आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, सिलेबस नहीं देखा, तो आप समझ रहे हो ठीक है, हो जाएगा काम। जैसे ही आपने सिलेबस देखा क्या पढ़ना है, आपको कंफ्यूजन बढ़ गया, अरे ये कहां मिलेगा, ये कैसे होगा। किताब खोला, किताब में तो और भी नहीं है, और कंफ्यूजन बढ़ गया, यार ये किस तरीके से कंप्लीट होगा, इसमें किन चीजों को डिस्कस करना है। तो ये जो सारी चीजें जो आपकी कंफ्यूजन है, अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो वो किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से उस पर डिस्कस करेंगे, उन सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा यहां पे ए टू जेड, और किसी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ए टू जेड हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और किसी तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनी नहीं रहेगी, ठीक है। बस आपको वीडियो में बने रहना है और फिर किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, और कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में भी लिखना है। पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। इस यहां पर इसके कहने का मतलब है इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट। हिंदी में इसको समझिए कि नॉलेज की जो रचना होती है ना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो रचना होती है उस नॉलेज की रचना में, है ना, उस नॉलेज की रचना में नारीवादी का जो आलोचना है ना, फेमिनिस्ट क्रिटिक को क्या बोलेंगे, नारीवादियों ने जो आलोचनाएं की है, नारीवादियों की जो आलोचनाएं की गई है, फेमिनिस्ट की जो आलोचना या फिर क्रिटिसाइज किया गया है ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट, कहां पर आलोचना की गई है, बहुत अलग अलग तरीके के स्कूल में और बहुत अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हेडिंग समझ में आ गया, ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। यानी कि नॉलेज के स्ट्रक्चर में, है ना, नॉलेज के स्ट्रक्चर में फेमिनिस्ट का जो क्रिटिसाइज है अलग अलग स्कूल और अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से है, किन किन बातों पर है और किस किस तरीके से किया जाता है, और इसमें कैसे आप लिखोगे कि आपका 100% and 110% आपका जो है आंसर इफेक्टिव होगा। देखिए, समझिए पहले, इससे पहले भी जो हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कस किया, सारी चीजों में हमने देखा, वो चीजें हमें देखने के लिए मिला है यहां पर। और जहां की बात है आपको फेमिनिस्ट क्रिटिक की, यानी कि नारीवादी आलोचनाओं की, तो हमने किस में देखा, जेंडर के अकॉर्डिंग भी ये आलोचनाएं देखने के लिए मिलती है ना। उसके बाद में हमने स्कूल, इससे पहले सब्जेक्ट डिस्कस किया, स्कूल में भी आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें उसमें भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद करिकुलम की बात करें उसमें भी देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि कोई सब में ये आलोचनाएं की गई है ना, वो सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो है हम लोग चलते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट के थ्रू से चलते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू से समझते हैं। देखिए, ये नारीवादी जो क्रिटिसाइज है, नारीवादी लोग जो है ना, नारीवादी लोगों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है आपको, है ना, कौन कौन है, सोशल फेमिनिस्ट, ठीक है, पहला सोशल फेमिनिस्ट होगा, दूसरा इस तरीके से आपका हो जाएगा लिबरल फेमिनिस्ट होगा, और तीसरा हो जाएगा आपका रेडिकल, रेडिकल फेमिनिस्ट। इसको समझिए ये क्या कहते हैं, जितने भी फेमिनिस्ट हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो आपका रेडिकल हो, ये सारे फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, ये सारे फेमिनिस्ट कहते हैं कि आपके सोसाइटी में, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो भी चीजें बनाई गई है, जिस भी विभाग की बात कर लें, अगर मैं आपको इकोनॉमिकली विभाग की बात करें, है ना, इकोनॉमिकली अगर बात करें, इकोनॉमिकली अगर बात करें तो इकोनॉमिकली लेवल पर क्या देखने के लिए मिलता है, पेट्रियार्कल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि पुरुष प्रधानता। उसके बाद अगर पॉलिटिकली बात करें,
यहां पर भी क्या देखने के लिए मिलता है, वो पुरुष प्रधानता। सोशियोलॉजिकली बात करें अगर आप, है ना, यहां पर भी आपको पुरुष प्रधानता देखने के लिए मिलता है सोशियोलॉजिकली के अलावा। साइकोलॉजिकली अगर बात करें आप, यहां भी आपको पुरुष प्रधानता देखने के लिए मिलता है। एजुकेशनली बात करें तो यहां भी आपको पुरुष प्रधानता देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी फेमिनिस्ट है, चाहे वो रेडिकल हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं सोशल हो, ये सारे फेमिनिस्ट क्या मानते हैं, ये सारे फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि आपके सोसाइटी में जो भी है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली, है ना, साइकोलॉजिकली, जितने भी जो मुद्दे हैं, सब में क्या देखने के लिए मिलता है, पुरुष प्रधानता मिलता है। और पुरुष प्रधानता होने के यहाँ पर इन सारी जगहों पर पुरुष की ही अपनी चलती है, पुरुष ने सोसाइटी बनाया है, पुरुष के मेंटालिटी के अकॉर्डिंग चलती है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं स्कूल और सब्जेक्ट की, है ना, अलग अलग स्कूल में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने यह कहा है कि सभी के लिए एक समान स्कूल बनाया जाएगा, है ना, उसको अलग अलग से कोई चीज प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ये कहा है। अगर ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन की योजना की बात करूं तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन योजना यह कहता है कि 50% जो बहाली होगी, 50% जो बहाली होगी वो फीमेल टीचरों की होगी। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी जो है योजनाएं बनाई जो ये कहता है कि फीमेल को आगे बढ़ाया जाए, फीमेल के विद्यालय को आगे, है ना, बालिकाओं के विद्यालय को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात रही, क्यों? क्योंकि आपका जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सिस्टम में वहां पर लागू होता है, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज आपके लागू होता है वहां पर, जिसके बिहार पर ये सारी चीजें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर आपको बराबर का जो है समानता नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहां पर आलोचनाएं किस तरीके से की जाती है, है ना, फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है वो ये आलोचना करती है कि अगर एक एक पॉइंट को हम देखते हैं, अगर यहां पर बात किया इन्होंने स्कूल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्कूल की बात करें, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के अकॉर्डिंग ये कहता है फेमिनिस्ट, रेडिकल, सोशल और लिबरल, ये फेमिनिस्ट जो है ये क्या आलोचना करती है कि स्कूल हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट ये कहता है कि हर एक किलोमीटर से 2-3 किलोमीटर के बीच में आपको स्कूल प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर देखने के लिए क्या मिलता है, स्कूल प्रोवाइड नहीं है। स्कूल ना होने के बिहार पर जो है यहां पर ये आलोचनाएं की जाती है कि वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, स्कूल नहीं है तो वहां जाएंगे कैसे, रास्ते दूर है तो वहां पर बीच में उसको दिक्कत भी होती है, लड़कियां तो किसी तरह चले भी जाते हैं, लड़कियों पर बहुत ज्यादा बात आती है, तो वो स्कूल किस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक ये स्कूल की अगर बात छोड़े तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, क्या क्रिटिसाइज करता है कि सब्जेक्ट आपके सोसाइटी ने बांटा हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि महिलाओं का जो काम होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होमवर्क, यानी कि घर के जो सारे काम होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, छोटा छोटा कोर्स दिया जाता है जहां पर आप सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी चीजें, और उसके बाद होम साइंस की चीजें, ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। ये सारी क्रिटिसाइज की जा रही है के, कौन कर रहे हैं ये लोग, सारे फेमिनिस्ट कौन, यानी रेडिकल, सोशल, है ना, लिबरल, ये जितने भी फेमिनिस्ट है ये कहता है कि सब्जेक्ट के बिहाव पर भी ये आलोचनाएं देखने के लिए मिलती है। अगर ये सब्जेक्ट के बिहाव पर आपको समझ में आ गया, और उसके बाद में अगर करिकुलम की बात करें, है ना, करिकुलम की अगर बात करें तो करिकुलम के अकॉर्डिंग भी ये चीज देखने के लिए मिलता है कि करिकुलम में भी ये बात रखी गई है कि ये करिकुलम ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, इस करिकुलम को वो चूज नहीं करेगा, है ना। जैसे टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी का करिकुलम जो है लड़की नहीं चूज करेगी, अगर पायलट करिकुलम की बात है तो पायलट वाला जो कोर्स है वो नहीं, नर्स वाला को करिकुलम वो चुनेगी। तो करिकुलम के बिहाव पर भी आपको ये जो है आलोचनाएं देखने के लिए मिलेगा। उस ये सारी चीजें मैंने इससे पहले भी समझा दिया है, बस मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं आपको इसमें किस तरीके से लिखना है, या अगर को सर पूछा जाता है तो किस तरीके से लिखना है। करिकुलम समझ में आ गया। अगर हम क्या कहते हैं आपका जो करिकुलम है, करिकुलम में अगर लैंग्वेज की बात करते हैं हम, ठीक है, लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने इससे पहले भी समझाया है कि किस तरीके से आपके लैंग्वेज में भी डिफर देखने के लिए मिलता है। यहां पर क्या कहते हैं आपकी असमानताएं लैंग्वेज में भी किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, तो ये किस तरह से आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज की जाती है कि आपके लैंग्वेज में भी देखना किस तरीके से, जैसे कि डाकिया है, डाकिया को पोस्टमैन कहा जाता है, मैन इसलिए जोड़ दिया है कि पुरुष प्रधानता वहां से चीजें झलक रही है, है ना, वहां पर जो पेट्रियार्कल का जो आइडियोलॉजी है, अगर आप डाकिया भी कहें तो भी चल सकते
सकता है, लेकिन आप अगर ये कहते हैं पोस्टमैन कहते हैं, पुलिसमैन बोल रहे हैं, है ना, तो ये जो मैन मैन जोड़ करके जो आपका ये बना दिया जाता है पेट्रियार्कल सिस्टम में, जो आपका जो ये पुरुष प्रधानता वाला जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो ये लैंग्वेज में भी देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर बुक की बात करें, सपोज दैट अगर मैं बुक्स की बात करूं, है ना, तो बुक्स में किस तरीके से आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है, बुक्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि बुक में अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल चाहे कोई भी बुक हो, सबसे बड़ी बुक अभी क्या एनसीईआरटी को माना जाता है, तो एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे तो जहां पर बहुत लाचारी वाली जो कॉन्सेप्ट होता है, वो लाचारी कॉन्सेप्ट किसको, लड़कियों के नाम पर दिया जाता है, यानी कि लड़कियों को एग्जाम्पल देते हैं लाचारी वाले काम में, और अगर कोई बड़ा काम है तो वहां पर क्या है, लड़कों का नाम दिया जाता है, अगर कोई एग्जाम्पल देना है तो वहां पर राम एंड श्याम कहा जाता है, हामिद एंड जैद कहा जाता है, तो वहां पर ये लड़कियों का एग्जाम्पल नहीं देते हैं। ज्यादातर आप क्या देखेंगे कि लड़कियों को कहां पर एग्जाम्पल देंगे, जहां पर सोसाइटी में बहुत दबे कुचले लोग हैं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, किसी क्या कहते हैं कि कम्युनिटी पे अगर जुल्म हो रहा है तो वहां पर लड़कियों को दिखा दिया है। तो ये किताबों में भी ये सारे जो है आलोचनाएं देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे जो चीजें हैं, जिन चीजों पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, स्कूल में देखें अगर, तो स्कूल के बिहाफ पर ये माना जाता है कि स्कूल दोनों को बराबर प्रोवाइड किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर टूटा फूटा होता है। सरकारी स्कूल की बात करें तो वो किसी लायक पढ़ने के ही नहीं होता है, बहुत सारे प्राइवेट संस्थाओं ने ले लिया है जगह, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी मनमर्जी से ये लोग टीचर बहाल करते हैं। ये कहते हैं कि लड़का अगर टीचर रहेगा तो ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, जहां चाहेंगे उसको वहां भेज देंगे, लड़कियां नहीं जा सकती है, लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये सारी जो मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी में, ये आलोचनाएं की जाती है इनके फेमिनिस्ट के थ्रू से, कि ये जब तक जो है आपका पुरुष प्रधानता या फिर पेट्रियार्कल सिस्टम आपके सोसाइटी से खत्म नहीं होगा, तब तक स्कूल के बिहाफ पर हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट के बिहाफ पर नहीं मिलेगा, बुक के बिहाफ पर नहीं मिलेगा, यानी किसी भी बिहाफ पर आपको जो है बराबरी का हक नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें डिस्कस मैंने कर दिया है, और किसी भी तरह की अगर क्वेरीज हो, किसी तरह का अगर क्वेश्चन हो इसमें, तो ये वीडियोस को समझने के लिए जो बाकी पीछे की जो वीडियो है वो भी अगर आप देख लोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस इन्होंने अपने खाना पूर्ति करने के लिए, यानी कि बीएड का कोर्स जो एक साल का था वो दो साल करने के लिए बस इन्होंने इसको बढ़ा दिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज, यानी कि आपका जो नॉलेज है या एजुकेशन में किस तरीके से आलोचनाएं करते हैं कौन, फेमिनिस्ट जो भी है, रेडिकल सोशल जो है, किस तरीके से करते हैं, और वो स्कूल को लेकर के और सब्जेक्ट को लेकर के मैंने बताया है कि दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग चीजें, सारी चीजें इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।